और दिल्ली से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय पर राजस्थान भाजपा नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ इस बैठक में मौजूद रहे और संगठन ने मुद्दों को लेकर यहां करीब 2 घंटे से ज्यादा भी इस बैठक को, आपको बता दें कि इस बैठक में चर्चा की गई है और ये बैठक नवम्बर में ही तय हुई, लेकिन कोरोना के कारण इस बैठक में देरी हुई। सतीश पूनिया ने कहा है कि जेपी नड्डा अगले महीने राजस्थान का दौरा करेंगे और जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई, मंथन किया गया और निकाय चुनाव में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन पर भी यहां चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव को और बेहतर बनाने का यहां स्टेट यूनियन ने विश्वास दिलाया है। तो स्टेट यूनिट ने यह विश्वास दिलाया है और दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, बैठक यहां बीजेपी की खत्म हो गई है, क्या कुछ निर्णय लिया गया, किन मुद्दों पर यहां चर्चा की गई है? देखिए, पहली बात तो ये कि तमाम हमने बयान सुना जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उनको बुलाया गया था, ये बैठक नवंबर में तय थी लेकिन कोरोना संक्रमण के चक्कर नहीं आ पाए, बैठक में डिले हुआ। एक हर ये एक रूटीन मीटिंग भी उसको बता रहे हैं, संगठनात्मक दृष्टि से ये बैठक हुई, ये तमाम चीजें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अभी राष्ट्र अध्यक्ष का दौरा होना है, उससे पहले की तैयारी, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें क्या परिस्थितियां थी, कितना बेहतर प्रदर्शन किया, कितना और बेहतर किया जा सकता है, आगामी जो चुनाव है, बाय इलेक्शन है, उसमें किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर हुई। बैठक 2.25 घंटे चली, लेकिन अगर हम अब पॉलिटिकल सिचुएशन को समझे राजस्थान में तो शायद बैठक उतनी सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही है। पहली बात, हमने सवाल पूछा गुलाब कटारिया से, उन्होंने ये कहा, नेता प्रतिपक्ष है वो, उनसे जब पूछा कि बसपा के 6 विधायकों को नोटिस दिया गया तो उन्होंने तुरंत इस ये जवाब दिया कि आज नहीं तो कल बसपा के 6 विधायकों की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, वो विलय जो है उनका कांग्रेस के साथ वो अमान्य है। मैंने उनसे सवाल भी किया कि क्या ये माना जाए कि बीजेपी आश्वस्त है कि वो सरकार बनाएगी, हालांकि उसके उन्होंने बात को बदल दिया। तो जो दिख रहा है उसमें ये भी माना जा सकता है कि शायद बीजेपी के सभी, क्योंकि अपोजिशन का इस ऐसे मामले में अपोजिशन का काम यही होता है कि वो डे टू डे चीजों को समझें, देखें कि अगर बसपा के विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो फिर बीजेपी हो सकता है आज टटोलने की कोशिश कर रही हो कि फिर क्या स्थिति बीजेपी के लिए होगी, किस किस तरीके से सरकार बनाई जा सकती है, कितने इंडिपेंडेंट साथ आ सकते हैं। यहाँ पे मैं सरकार गिराने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर ये 6 लोगों की सदस्यता रद्द होती है तो क्या कांग्रेस सरकार को किसी भी तरह का खतरा होगा, और अगर खतरा होता है तो वो बीटीपी हो या किसी भी इंडिपेंडेंट एमएलए हो, वो कितने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड ही कहा नहीं गया है, पर अगर हम सूत्रों की बात माने और एनालिसिस करें तो हो सकता है कि अगर बसपा के विधायकों की सदस्यता रद्द होती है तो उसके बाद के परिणामों को टटोलने के लिए बैठक की गई हो। और इसके अलावा देखिए, लगातार कांग्रेस राजस्थान में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, गुटबाजी बेहद ज्यादा हर दिन बाहर निकल कर आ रही है, चाहे आलाकमान कितनी भी कोशिश करे चीजें ठीक करने की, चाहे कांग्रेस में चाहे राजस्थान में, लेकिन गुटबाजी बहुत ज्यादा निकल कर आ रही है। और यही वजह रही कि जो आगामी चुनाव हुए उसमें कई लोगों के मन में निकाय चुनाव में ये शिकायत रही कि अगर बीजेपी एक साथ होकर चुनाव लड़ती तो और बेहतर कर पाती, तो हो सकता है इस बात का भी मुद्दा रखा गया हो कि गुटबाजी रही, उसके चलते निकाय चुनाव में बहुत बेहतर बीजेपी नहीं कर पाई और भी कर सकती थी, क्योंकि 2.25 घंटे की बैठक रही। अब जो प्रभारी हैं वो भी दौरा करेंगे, अरुण सिंह, उनको भी एजेंडा दिया गया होगा किस तरीके से चीजें करनी है। तो ये कोर ग्रुप की बैठक रही और राजस्थान में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको टटोलने के लिए, समझने के लिए, उन तमाम चीजों के लिए आज खुद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डीएल संतोष जो राष्ट्र महामंत्री हैं, और अब वो सह संगठन मंत्री के रूप में भी जो संगठन का काम संभालने के लिए भी पीएल संतोष जी थी, हालांकि इस बैठक में वी सतीश रहे जो पहले सह संगठन मंत्री थे, हाल ही में उनका स्थान परिवर्तन हुआ है, तो और खुद चंद्रशेखर से मौजूद थे, राजेंद्र राठौड़ से मौजूद थे, इसमें मंत्री मेघवाल से मौजूद थे, तो ये तमाम लोग बैठक में रहे। बिल्कुल अदिति, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।